नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 125 दिन में पीएम मोदी के 200 कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 125 दिनों में 27 राज्यों में 200 कार्यक्रमों में शरीक हुए हैं। इनमें से अधिकतर दिल्ली में 30 कार्यक्रम हुए। इस दौरान उन्होंने 24 कैबिनेट बैठक भी ली। प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक वेबसाइट पर 25 दिसंबर 2018 से 1 मई 2019 तक का यह लेखा जोखा देने के साथ ही कार्यक्रम के महत्व के बारे में भी बताया गया है। इस कार्यक्रमों के जरिए मोदी की कार्यशैली और विभिन्न कार्यों को साथ देने की कुशलता को दर्शाया गया है। दावा किया गया है कि इनके जरिए मोदी ने हर भारतीय तक अपनी पहुँच बनाई है। इनमें विद्यार्थियों से लेकर वैज्ञानिक, किसान से लेकर उद्यमी, विदेशी प्रतिनिधियों से पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल है। फरवरी में मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक दिन में कवर करते हुए हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट समर्पित किए हैं। फरवरी में किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की। 24 फरवरी को कुंभ में डुबकी लगाई। इसी महीने उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय शक्ति स्मारक का लोकार्पण किया। वही जनवरी में पूर्वोत्तर के असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में आचार संहिता लगने से पहले आधारभूत संरचनाओं का शुभारंभ किया। मेट्रो स्टेशन पर बनाई जाएगी हॉलैंड गोई रिक्शा स्टैंड। मेट्रो के थर्ड स्टेज पे जितने भी मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ ई रिक्शा खड़े होने से जमा की समस्या गंभीर होती जा रही है। समस्या को खत्म करने के लिए अब MDC और ट्रैफिक पुलिस ने होल्ड एंड गो स्टैंड बनाने का प्लान बनाया है। पहले चरण में दिल्ली के 8 मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा डेवलप की जाएगी। दूसरे चरण में भी इसी तरह से कुछ अन्य स्टेशनों पर होल्ड एंड गो स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले चरण में ग्रेटर इंडिया कैलाश मेट्रो स्टेशन, चिराग दिल्ली IIT, मुनीर का कैलाश कॉलोनी, वसंत विहार, पंचशील पार्क और हौज खास शामिल है। साउथ MDC के एक सीनियर अफसर के अनुसार थर्ड फेज में जितने भी मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ एक साथ कई ई रिक्शा खड़े होने से मेट्रो स्टेशन और यहाँ से गुजरने वाली सभी सड़कों पर जाम की सीट की नुमाइंदगी कर चुकी है। और यह भी 5 बार जॉर्ज फर्नांडिस ने इमरजेंसी खत्म होने के बाद अपना जो पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था वह मुजफ्फरपुर से लड़ा था और वह भी जेल में रहते हुए। जिस बिहार को हमेशा से चिताया राजनीति के लिए जाना जाता है, उसी राज्य के मुजफ्फरपुर ने कभी जॉर्ज की जाति नहीं पूछी। अगर जाति पूछी होती तो शायद वह सांसद नहीं हो सकते थे। एक बुजुर्ग ने जिनकी उम्र यही कोई 70 से 75 साल के दरमियान रही होगी, जॉर्ज की बात छिड़ी तो साइकिल से उतर गए और कहने लगे, जॉर्ज साहब जैसे लोग मुश्किल से मिलते हैं, उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब भी वह चुनाव लड़े हमने उन्हें ही वोट दिया, लेकिन 2009 में उनकी ही पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और वह निर्दलीय लड़े। पार्टियों की गिरोहबंदी के आगे वह चुनाव नहीं जीत पाए। अब सारा चुनाव जाति पर हो गया है। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।